सुनो पत्नी जी, आज घर का काम जल्दी निपटा लेना, आज हमारे खुशबू देखने वाले आ रहे हैं। अजी आप चिंता ना करो, मैं सुबह उठ के सारा काम निपटा लिया और मैं रेडी भी होगी, बस अब तो मेहमान के आने की इंतजार है। पापा जी ये लो अपनी गरम गरम चाय। वैसे मुझे ये बताओ आप दोनों इतने खुश क्यों, ऐसे क्या बात है? अरे कुछ ना बेटी, बैठ। दया हमारी बेटी कितनी जल्दी सियानी हो गई। अजी लड़की जल्दी सियानी हो जाती है। वैसे कल तक तो नाक लटका फिरती थी। पापा आप बिना क्या मेरी बचपन की बातें लेके बैठ गए हो, बचपन में तो सबकी नाक लटकती है ना। आप भी कुछ भी कह देते हो, शर्मा गई ना बेचारी। अरे दया लगता है मेहमान आ गए, मैं लेकर आता हूँ, सुनो तुम इसे ले जाओ। अरे भाई साहब राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आओ अंदर आओ, आओ जी जोश साहब आओ बैठो। आने में कोई दिक्कत ना हुई? नहीं नहीं भाई साहब, एक आदमी से आपका पता पूछा तो वो हमें यही छोड़ कर गया। अरे दया अरे चाय नाश्ता लाओ भाई। और बता बेटा पढ़ाई कहाँ तक की है? जीवन में बीए कर रखी है। बहुत बढ़िया, और आगे क्या सोचा है? भाई साहब ज्यादा पढ़कर भी क्या करेगा, अपना काम धंधा देखेगा और फिर भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है। भाई साहब आपसे विनती है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस पेटी है। बहन जी कैसी बात कर रही हो, जैसा नाम वैसे गुण, आपकी खुशी हमें बहुत पसंद है। भाई साहब बेटी शर्मा गई। तो भाई साहब ये सब पक्का समझो? हाँ हाँ भाई साहब, अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर और दोनों की शादी करा देंगे। अच्छा भाई साहब अब हमें थोड़ी जल्दी है, इजाजत दो। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, खाना खा के जाना आराम से। नहीं भाई साहब अब हमें थोड़ा जल्दी है। नमस्ते। क्या हुआ, क्या बात है और तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है कुछ तो बताओ। आनंद अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। आनंद अरे पगली तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझे ना मिली तो। पर बात क्या है, बात तो बताओ। आपको पता है आज मुझे देखने वाले आए थे और वो मुझे पसंद करके चले गए। अरे तुम हो इतनी खूबसूरत तो तुम्हें पसंद क्यों ना करेंगे। आनंद ये मजाक की बात भी है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे ठीक है तुम परेशान मत हो, हम कल ही शादी कर लेंगे। पर क्या तुम्हारे मम्मी पापा मान जाएंगे? आनंद मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे, हम दोनों को भाग के शादी करनी पड़ेगी। क्या बोल रही हो तुम, भाग के शादी करनी पड़ेगी? ठीक है तुम तैयारी करो और मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ, हम लोग फिर कल मिलते हैं। ठीक है जाओ।
खुशी बेटा एक गिलास पानी ला बेटा। खुशी दिखाई दे रही कहाँ है? अजी वो सुबह अपनी सहेली के नु कह गई थी कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, अब तक नहीं आई। मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। अरे तू चिंता मत कर, आ जाएगी। चल तू रोटी बना। खुशी अब तो तुम खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, अब तो हम दोनों को भगवान भी जुदानी कर सकते हैं। अजय एक बार आप फोन तो मिला लो। चल मैं फोन कर लेता हूँ। क्या हुआ? पापा की कॉल आ रही है। पापा की कॉल? हाँ तो उनको बोल दो ना कि हम दोनों ने शादी कर ली है और हम बहुत खुश हैं। हाँ हेलो। हेलो पापा। खुशी बेटा कहाँ है तू? तेरी मम्मी तेरे चक्कर में भूखी बैठी है। पापा मम्मी से बोल दो कि वो खाना खा लेंगी। क्यों बेटा, तुझे समय लगेगा क्या आने में? पापा मुझे पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा आने में। क्या मतलब? बेटा टाइम ज्यादा हो गया है, अब जल्दी घर आ जा। पापा मैंने आनंद से शादी कर ली है। क्या तुझे हमारे घर की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है? पापा मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। ठीक है तू जी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से, पर एक बात याद रखना, आज से तू हमारे लिए मर गई। और सुन तेरा हमसे आज से कोई रिश्ता नहीं है, आज के बाद तू हमें अपनी शक्ल मत दिखा देना। ये नाम क्या तू हमारे प्यार का? क्या हुआ खुशी? पापा नाराज हो रहे हैं आनंद, अब क्या होगा आनंद? तुम चिंता मत करो, अब भगवान हमारे साथ है ना, सब ठीक होगा। चलो क्या हुआ जी, कहाँ है खुशी बताओ भी, कहाँ है मेरी बच्ची? भाग गई तेरी बच्ची अपने यार के साथ में। मुझे ऐसा पता होता ना तो इसका पैदा होते इसका गला घोट देता। कैसे ने किया खुशी के पापा? खुशी ने दयावती खबरदार जो आज का कोई खुशी का पापा कहा तो मैं तो सोच लूंगा कि भगवान हमें को औलाद दी गई थी। हेलो। नमस्ते भाई साहब, बधाई हो, इसी महीने की 28 तारीख का बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त निकला है। भाई साहब अभी शादी नहीं हो सकती। क्यों क्या हुआ भाई साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि खुशी हमारे लिए मर चुकी है। ये क्या कह रहे हो भाई साहब? हेलो हेलो हेलो, दयावती 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 दयावती, देखो भाई साहब कमरा तो आपका बहुत बढ़िया भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब आपका। धन्यवाद तो ठीक है पर किराया टाइम से देते रहे ना। अरे भाई साहब वो आपको बराबर मिलता रहेगा, टाइम से मिलता रहेगा। चलो ठीक है भाई साहब, नमस्कार। ठीक बैठो आनंद। मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही है। अरे
रुको मैं पानी लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं आप मुझे बता दो मैं ले आऊंगी पानी। अरे चलो बाहर नल है वहीं से ले। आनंद क्या हो रहा है आपको? आनंद 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 क्या हो रहा है? आनंद बताओ तो सही। आनंद 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 चाचा। ओ चाचा। हाँ बेटा। अरे चाचा एक बात करनी तुमसे। आ जा यहाँ आ जा। हाँ तो अंदर को आ। चल हाँ तो बेटा बता क्या बात थी। चाचा बुरा ना मानना तो एक बात कहूँ। नहीं नहीं को बता। वो विनोद था ना अपना। हाँ हाँ जहाँ सा उसका रिश्ता हो रहा। अच्छा मैंने सुनी वो लड़की भाग गई। लड़की भाग गई? हाँ। अरे बेटा क्या कह रहा तू? सही कह रहा हूँ। शुक्र है सूरज जल्दी निकल गया। अगर वो शादी के बाद हमारे घर से भागती ना तो उनके साथ साथ हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती। पर यो सौराज के साथ अच्छा नहीं हुआ। चाचा वो तो तुम्हें पता होगी तुम्हारा दोस्त है। मैं तो यही बताना आया था। चलो तुम अपना काम कर लो। ठीक है बेटा चलो राम राम। चल तो निकल। आनंद मुझे छोड़ के चले गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? कितनी कसमें कितने वादे किए थे तुमने मुझसे आनंद। सारे कसमें और वादे सब तोड़ दिए तुमने आनंद। एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता कि कैसे होगी आपके बिना मैं। आनंद तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे जाने के बाद कैसे रहूंगी। आनंद एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता। आनंद हाय हाय क्या चाल है।
भाई साहब चिंता मत करो, मैं जैसा भी हूँ आपके साथ हूँ। श्यामला जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अब चिंता तो इस बात की है कि दया तो रही नहीं, जिंदगी अकेले कैसे कटेगी। भाई साहब ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब आगे की सोचो, क्या करना है। अब करने को बचा ही क्या है, जो होना था वो तो हो चुका। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। चुप हो जा सोरा, इसमें तेरा क्या दोष है, जो करेगा वो भरेगा। और ये पल जो है सौराज, यहाँ अच्छे बुरे कर्मों का फल जल्दी ही मिल जाता है। आप आइए अंदर। ना मां, अंदर नहीं, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। मुझे पता है आप क्या कहने आए हो। आप कुछ दिन और रुको, मैं कहीं से कुछ भी करके आपके मकान का किराया जल्दी दे दूंगी। आप गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे किराया लेने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूँ। मतलब खर्चा चला लेना। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। रख लो, जैसी आपकी मर्जी। सिलेंडर भी खत्म हो गया, इसे भी अभी खत्म होना था। घर में एक भी पैसा नहीं है। ए भगवान, और कितने दुख देगा तू मुझे। ₹5,000। पेड़ पर लग रहे हैं पैसे, पिछले पैसे तो दिए नहीं है, पता कितना हिसाब बैठ रहा। हाँ मैं देख के बता देता हूँ अभी कितना बैठ रहा थे। हाँ मेरा तो काम ही है यही ब्याज लगा के। हाँ और तेरी 11,500 रुपए बैठ रहे भाया। हाँ अच्छा, लेती बार नहीं देखा होगा इतने कैसे बैठ गए हैं। एक मिनट, चल मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। लाला जी राम राम।
राम 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 राम, क्या चाहिए तुझे? लाला जी मुझे कुछ ना चाहिए, मैं तो कुछ बेचना आई हूँ। बेचना आई है? क्या बेचना आई है? बैठ 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 बैठ, यहाँ बैठ यहाँ बैठ। क्या बेचना आई है? लाला जी मैं मंगलसूत्र बेचना आई हूँ। मंगलसूत्र बेचना आई है? मंगलसूत्र, मंगलसूत्र बेचने की चीज हो गया के? लाला जी मैं ये मंगलसूत्र बहुत मजबूरी में बेच रही हूँ। किसका? लाला जी ये मंगलसूत्र मेरे पति की आखिरी निशानी है। ना ना ऐसा विश्वास नहीं करूँ, क्या पता झूठ बोल रही हो तू, ये तेरे पति का है? लाला जी मैं सच कह रही हूँ। झूठ ना बोलूँ ब्याज लगा के, मैं जब बिल्कुल भरोसा को नहीं, एक काम कर दे तो सबसे पहले इस पे अंगूठा लगा दे। लाला जी अंगूठा तो मैं लगा दूंगी, पर नू तो बता दो तुम कितने पैसे दोगे मुझे इसके? तुझे कितने चाहिए इसके? लाला जी मुझे अभी तो 10,000 रुपए की जरूरत है। 10,000 रुपए? 10,000 रुपए बहुत ज्यादा ना हो जाएंगे? लाला जी इस मंगल सूत्र की कीमत बहुत है। इस मंगल सूत्र की कीमत बहुत है और तुझे 10,000 रुपए चाहिए है ना? एक दो तीन चार, ये ले। पर लाला जी ये तो 2,000 रुपए ही है। हाँ तो दो ही दे रहा हूँ मैं। लाला जी मैंने बोला मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। ना ना 10,000 रुपए का ना आयो, ले रख अपने पास, 2,000 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है लाला जी मैं 2,000 से काम चला लूंगी, दे दो आप। झूठ ना बोलूं ब्याज लगा के, सच पे आई गई 2,000 का आयो, ले भली हो रहा था, झूठ ना बोलूं ब्याज लगा के। अब क्या रह गया? धन्यवाद लाला जी। धन्यवाद? अरे अंगूठा कौन लगाओगा, क्या पता किसका है, चोरी का हुआ तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, झूठ ना बोलो ब्याज लगा के। ठीक है राम राम। राम राम लाला जी। 20,000 मंगलसूत्र 2,000 में ले दिया, झूठ नहीं बोलूं ब्याज लगा के।